नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं भावार्थ पुराकर सीरीज आपको पढ़ा रहा हूं और उसके अंदर कन्या लग्न तक कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग तुला लग्न लेंगे और वृश्चिक लग्न लेंगे। तो तुला लग्न वालों के लिए मैं स्पेशली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस पर मैं श्लोक स्टार्ट करता हूँ। तुला लग्ने कुजातस्य शनि योग प्रदो भवेत् तृतीय षष्ठानोथो अपि गुरुर योग प्रदो भवेत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कहना चाहता है कि तुला लग्न वालों के लिए शनि अपनी दशा में बहुत धन देता है और तीसरे और छठे भाव का स्वामी गुरु भी अपनी दशा में योगप्रद होता है। तो अगर हम कुंडली देखें तो कुंडली में शनि जो है हमारे चौथे भाव का स्वामी है और पांचवें भाव का स्वामी है। यानी ये तो सही है कि एक केंद्र का भाव इसके पास है, एक त्रिकोण का भाव है, तो ये शनि जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। तो ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाता है कि राजयोग कारक ग्रह है तो शनि अपनी दशा में धन तो देगा ही देगा। लेकिन गुरु भी धन क्यों दे रहा है? गुरु देखिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। गुरु तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, तो गुरु धन क्यों दे रहा है जबकि तीसरा और छठा भाव तो अशुभ भाव होते हैं। पर आपको ये बताया जाए कि स्पेशली तुला लग्न के लिए गुरु एक तो धन कारक ग्रह होता है। दूसरी बात, ये तीसरा भाव और छठा भाव ये उपचय भाव के दो पार्ट हैं। उपचय भाव वाले जो भाव होते हैं इनकम भाव होते हैं, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10 और 11, ये चार भाव उपचय भाव कहलाते हैं जो कि इनकम के भाव कहलाते हैं। तो एक ही कारक मतलब एक ही चीज इन्वॉल्व इसमें हो गई, यानी धन इसमें इन्वॉल्व हो गया। शनि भी धन दे रहा है, अपनी महादशा में राजयोग दे रहा है, और गुरु भी अपनी दशा में धन दे रहा है। तो इससे ये क्या होता है कि गुरु की दशा भी बहुत ज्यादा योगप्रद होती है। दूसरा श्लोक ले लेते हैं। तुला लग्ने तु जातस्य धन सप्तम नायके न करोति कुछ पापे निधनम तूने संचय। तुला लग्न वालों के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम दो मारक स्थानों का स्वामी होता हुआ भी मृत्यु कारक सिद्ध नहीं होता। अब अगर आप देखें तुला लग्न में तो मंगल जो है उसके पास सातवां भाव है और मंगल के पास एक दूसरा भाव, ये दोनों भाव मारक भाव कहलाते हैं। तो मंगल प्रबल मार्केश हुआ, उसके पास दोनों मारक भाव हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मारक का काम नहीं करता या मृत्यु कारक सिद्ध नहीं होता। ऐसा कैसे? ये तुला लग्न के लिए ही स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। वो तुला लग्न में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुला लग्न में ऐसा इसलिए होता है कि मंगल की मेष त्रिकोण जो मूल त्रिकोण राशि है वो केंद्र में है, और आप ये जानते ही हैं कि केंद्र के स्वामी जो होते हैं, अगर केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हों तो वो शुभ बन जाते हैं और शुभ ग्रह हों तो वो अच्छा फल नहीं देते। तो चूंकि ये अशुभ ग्रह है तो ये शुभ बन जाएगा और शुभ होने से ये मृत्यु नहीं देगा इसके अंदर, तो इसलिए ये मृत्यु कारक सिद्ध नहीं होता, इसलिए यह ग्रह अच्छा हो जाता है और इस कुंडली के लिए शुभ हो जाता है। फिर इसमें श्लोक आता है कि तुला लग्ने तु जातस्य रवि श्रौर बुधस्य च कुजस्य यदि संबंधो बहुभाग्य प्रदो भवेत। तुला लग्न वालों के लिए सूर्य शनि बुध और मंगल यदि एक दूसरे के साथ युति में हो, सूर्य शनि बुध और मंगल या दृष्टि संबंध स्थापित करें, तो देखिए सूर्य शनि और बुध तो लग्न में बैठे हुए हैं और मंगल जो है इनको दृष्टि संबंध स्थापित किए हुए है, तो इसका मतलब यह है इन चारों का कनेक्शन है। सूर्य शनि बुध और मंगल यदि एक दूसरे के साथ युति अथवा दृष्टि संबंध करें तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा क्यों? ऐसा सोचने वाली बात है। देखिए आप अब हर ग्रह को स्टडी कीजिए। सूर्य क्या है? सूर्य इस कुंडली में लाभेश है, लाभ भाव का स्वामी है, तो सूर्य लाभेश हो गया। सैटर्न क्या है? सैटर्न इस कुंडली के अंदर आपका जो शनि है वो इस कुंडली में आपका चतुर्थेश है और पंचमेश है, राजयोग कारक ग्रह है, केंद्र में त्रिकोण दोनों का स्वामी है, तो पंचमेश भी हो गया और चतुर्थेश भी हो गया, सूर्य लाभेश भी हो गया। बुध क्या है? बुध को अगर आप देखें तो बुध भाग्येश है, नवे भाव का स्वामी है, बुध भाग्येश है। तो भाग्य भाव का स्वामी होना, चतुर्थ भाव का स्वामी होना, पंचम भाव का स्वामी होना, लाभेश होना, ये सब बहुत धन के द्योतक होते हैं सारे।
ये सब धन के द्योतक होते हैं और मंगल इसके अंदर, मंगल की दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि है तो मंगल से कैसे अच्छा हुआ, क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए स्पेशली तुला लग्न के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मंगल केंद्र का स्वामी होता है और अशुभ ग्रह होने के कारण केंद्र का स्वामी होने से ये इसकी युति, इसकी जो इसका अशुभ है, अशुभ प्रभाव है वो इसका निकल जाता है और शुभ प्रभाव में चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से सारे ग्रह जो हैं ये मिलकर राजयोग की स्थापना करते हैं। इसके बाद अगला श्लोक ले लेते हैं। तुला लगने तू जातस्य रवि सौरो रे बुधर्ष से पुष्य वेम दुसंबंधो राजयोग उदीरत। यदि सूर्य शनि और बुध का मंगल अथवा चंद्र से संबंध हो तो जातक को राजयोग की प्राप्ति होती है। सूर्य शनि और बुध का मंगल अथवा चंद्र से संबंध हो, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि सूर्य शनि और मंगल ये सब हैं क्या, सूर्य शनि और बुध हैं क्या। सूर्य लाभेश है, बिल्कुल ठीक बात है, शनि वही केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। ये जो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब तुला लग्न के लिए बता रहा हूँ, ये तुला लग्न में ही स्पेसिफिकली होती है। तो शनि केंद्र एवं त्रिकोण का मालिक है और सूर्य लाभेश है, तो ये अच्छा योग हो गया, ये चतुर्थेश हो गया, पंचमेश हो गया, लाभेश हो गया। और चंद्रमा की इनके ऊपर दृष्टि है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा दशमेश है, चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा मजबूत होकर इनको देख रहा है, चंद्रमा बली होकर इनको देख रहा है। तो इसलिए ये जो यहां से जो जातक को जो है ये राजयोग का फल मिलता है, क्योंकि सूर्य भी, शनि भी, बुध भी और चंद्रमा भी, ये चारों इन्वॉल्व हो गए, तो लाभेश इन्वॉल्व हो गया, चतुर्थेश इन्वॉल्व हो गया, पंचमेश इन्वॉल्व हो गया और दशमेश इन्वॉल्व हो गया। तो ये सब इन्वॉल्व होने से एक राजयोग की प्राप्ति होती है और एक राजयोग का फल मिल जाता है। उसके बाद आता है तुलायाम जायमानस्तु शुक्र सूर्य बुधा यदि लग्नस्था भाग्यवान जात धनवानस्य भव ध्रुवम। श्लोक में कहते हैं यदि तुला लग्न वालों के लग्न में सूर्य शुक्र और बुध स्थित हो, तुला लग्न वालों के लग्न में सूर्य बुध शुक्र और बुध स्थित हो तो जातक धनी और भाग्यशाली होता है। ऐसे कैसे? तो ये भी एक देखने वाली बात है श्लोक। इसका जो ये श्लोक है ये कहता है कि सूर्य बुध और शुक्र, तो देखिए सूर्य को देखिए पहले तो आप, सूर्य लाभेश है, ठीक है, लाभेश का लग्न में होना अच्छी बात है। वीनस क्या है? वीनस आपका लग्नेश है, तो लग्नेश बैठा तो लाभ की वृद्धि भी करेगा, ये भी अच्छा बात है। बुध क्या है? बुध आपका भाग्येश है, तो बुध नवमेश है। तो आप जानते हैं कि जहां भी लग्नेश बैठता है या जहां भी नवमेश बैठता है, आप इस कुंडली में ये फॉर्मूला याद करते रखिए कि जिस भाव में भी लग्नेश जाएगा या जिस भाव के स्वामी से संबंध लग्नेश बनाएगा या जिस भाव में नवमेश जाएगा और जिस भाव के स्वामी के संबंध के साथ संबंध नवमेश बनाएगा उस स्वामी की या उस भाव की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये भाव की वृद्धि होती है क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो भी इसी भाव में बैठा हुआ है, वो भी लाभ बढ़ाता है, और आपका जो शुक्र है वो भी इसी भाव में बैठा हुआ है, वो भी लाभ को इंक्रीज करता है, और सूर्य है हमारा लाभेश है, तो इसमें जातक बहुत धनी और भाग्यशाली होता है। इसके बाद जो श्लोक है वो श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट श्लोक ही लिए हैं जो याद रहने बहुत जरूरी है, वही श्लोक मैंने इसके अंदर कंसिडर किए हैं। ये कहता है तुलायाम जायमानस्य मंदो लग्ने स्थितो यदि, तुलायाम जायमानस्य मंदो लग्ने स्थितो यदि कर्कटे यदि चंद्रस्तु राजयोग उदीरता। ये कहता है कि यदि शनि तुला लग्न में हो, शनि तुला लग्न में हो क्योंकि तुला लग्न वाली कुंडली की बात चल रही है, और चंद्रमा कर्क राशि में हो तो जातक राजयोग का सुख प्राप्त करता है। ये कैसे प्राप्त करता है? देखिए हर ग्रह के एक चीज होती है ग्रहों के केंद्रीय प्रभाव। ग्रहों के केंद्रीय प्रभाव ये होता है कि हर ग्रह अपने से चौथे घर के अंदर, अपने से सातवें घर के अंदर और अपने साथ बैठे ग्रह पे और अपने से दसवें घर के अंदर प्रभाव डालता है। केंद्र भाव कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। तो इसी प्रकार से जितने भी ग्रह होते हैं उनका केंद्रीय प्रभाव होता है, वो अपने से केंद्र में बैठे हुए ग्रहों पर प्रभाव डालते हैं। इसमें क्या है? शनि क्या है? शनि इसमें राजयोग कारक है,
क्योंकि चतुर्देश है और पंचमेश है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है, तो ये राजयोग की स्थिति में है। और ये हम जानते हैं कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का स्वामी अगर हो एक ही ग्रह तो राजयोग की स्थिति होती है, और साथ ही लग्नेश लगन में बैठा हुआ है तो ये राजयोग की स्थिति बन जाती है। अब चंद्रमा का इसके ऊपर केंद्रीय प्रभाव है, चंद्रमा भी इसके अंदर मजबूत है, बलि चंद्रमा है क्योंकि अपनी ही राशि में बैठा है, स्वयं राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का इसके ऊपर प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, तो ये और राजयोग की तरफ बढ़ गए। एक तो खुद ही राजयोगकारी हुआ, दूसरा चंद्रमा की ओर से और राजयोगकारी हो गया, चंद्रमा ने कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, तो ये और राजयोग का सुख माता है। तो इसलिए ये श्लोक में याद रखने वाली चीज स्पेसिफिकली होती है। अब इसके अंदर हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं, वृश्चिक लगन में भी हमारे श्लोक हैं, उसमें वो कहता है, वृश्चिक लगन में जो पहला श्लोक है उसमें वो बोलते हैं, वृश्चिके जायमानस्य गुरु सौम्य परस्परम संबंधीनो यदि भवेद विशेष धन योगदय। ये क्या कहते हैं, कहता है यदि वृश्चिक लगन हो यानी वृश्चिक लगन की कुंडली हो और गुरु और बुध परस्पर युति अथवा दृष्टि द्वारा संबंधित हो, तो गुरु और बुध यहाँ पे दृष्टि के द्वारा संबंधित हैं, चाहे तो गुरु और बुध एक साथ भी बैठे हो सकते हैं इस कुंडली के अंदर, लेकिन यहाँ दृष्टि द्वारा संबंधित है, तो यह विशेष धनदायक योग होता है। ऐसा कैसे, गुरु और बुध ने दृष्टि आपस में दी है, दृष्टि द्वारा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये धनदायक योग कैसे बना, जबकि गुरु इसमें क्या है, गुरु इसमें दूसरे भाव का स्वामी है और पांचवें भाव का स्वामी है, बुध क्या है, आठवें भाव का स्वामी है और ग्यारहवें भाव का स्वामी है, तो ये आपस में धन योग कैसे बना रहे हैं, ये एक देखने वाली इसमें इंपॉर्टेंट बात है। देखिए गुरु जो है वो धन कारक ग्रह होता है, और साथ में क्या है, गुरु एक तो धन कारक ग्रह होता है, गुरु के स्वतंत्र कारकत्व होते हैं कि वो धन देता है, संतान देता है, ज्ञान देता है, तो धन कारक ग्रह होता है गुरु, और गुरु इस कुंडली में वैसे भी धन भाव का स्वामी है, तो गुरु का काम इस कुंडली में धन देना भी है, गुरु का काम इस कुंडली में धन देना भी है, धनाधिपति भी है गुरु इसके अंदर, और साथ में पंचमेश भी है, त्रिकोण का स्वामी भी है, पंचमेश भी है, तो गुरु इस कुंडली में शुभ है बहुत, तो आर्थिक दृष्टि से गुरु जो है वो शुभ फल देने वाला है। एक तो गुरु खुद धन का कारक हुआ, दूसरा गुरु धन के स्वभाव का स्वामी हुआ, तीसरा पंचमेश भी हुआ, इसलिए गुरु इसके अंदर बहुत अच्छा धन देने वाला है। अब बुध की दृष्टि से क्या हुआ, बुध देखिए, बुध जो है वो शुभ फलदायक है, वो क्यों शुभ फलदायक है, क्योंकि जहां इसकी मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि बुध कहां पे है, वो लाभ स्थान में, तो ये लाभेश हो गया और लाभेश भी अच्छा फल देता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, तो ये लाभ भाव का स्वामी है, तो दोनों के पारस्परिक संबंध से, यानी दोनों का पारस्परिक संबंध बना, ये भी लाभ भाव का स्वामी है, तो ये धन को इंगित करता है, बुध भी धन को इंडिकेट कर रहा है, जुपिटर भी धन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि धन का कारक है प्लस धन भाव का स्वामी भी है, तो जब सारे चीज धन को इंडिकेट कर रहे हैं, बुध भी जुपिटर भी धन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये दशा विशेष धनदायक बन जाती है, यह योग विशेष धनदायक योग बन जाता है। फिर इसके बाद है तृतीयस्थो यदि गुरुर्दायमादिकं भवेत् सप्तमस्था स सूर्य सौम्या शुक्रो यदि बुधस्य च दशा काले तु संप्राप्ते वृश्चिकर्षे तु जातक राजयोगम समाप्नोति महति कीर्ति मश्नुते। ये क्या कहता है, कहता है कि तृतीय भाव में मकर राशि में गुरु स्थित हो, तृतीय भाव में मकर राशि में गुरु स्थित हो तो जातक बहुत उदार होता है। ऐसा कैसे, तृतीय राशि में गुरु मकर राशि में स्थित हो तो ऐसा कैसे हुआ जी, जबकि गुरु तो मकर राशि में क्या हुआ, अगर मकर राशि में गुरु को देखें हम तो गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है, लेकिन गुरु यहाँ उदार कैसे हुआ, गुरु उदार होने का संबंध यहाँ पर इसलिए है कि मकर राशि में तृतीय भाव में गुरु जातक को इसलिए उदार करता है, इसका मेन रीजन ये है कि गुरु जो है वो शुभ धार्मिक ग्रह होता हुआ, गुरु धर्म का कारक ग्रह भी है, धन का कारक ग्रह भी है, संतान का कारक ग्रह भी है, जैसे ये हम जानते ही हैं गुरु के स्वतंत्र कारकत्व में धर्म भी आता है,
और साथ ही साथ वो धर्म भाव को देख भी रहा है, गुरु यहाँ बैठ के धर्म भाव को देख भी रहा है, उस भाव को भी एक्टिव कर रहा है। तो जिससे धन का, अब गुरु धन धनाधिपति भी है इसके अंदर, गुरु इस कुंडली में धन का स्वामी भी है, गुरु मकर राशि में बैठा हुआ है और गुरु धर्म भाव को देख रहा है, तो धर्म और धन दोनों एक साथ मिल गए, यानी धन धन क्योंकि गुरु धन भाव का स्वामी है और धर्म क्योंकि गुरु धर्म भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो धर्म और धन एक साथ मिलने से आदमी जो व्यय करेगा, जो धन खर्च करेगा, वो अच्छे मार्गों पे करेगा, तो वो जातक को उदार बनाएगा, दानी बनाएगा। अब उसके बाद बोलते हैं, यदि बुध सूर्य और शुक्र सप्तम भाव में हो, बुध सूर्य और शुक्र यदि सप्तम भाव में हो, तो बुध की दशा में जातक बहुत यश और राजयोग को प्राप्त होता है। तो दूसरा योग क्या कहता है? दूसरा योग कहता है कि सप्तम भाव में सूर्य शुक्र बुध वृषभ राशि में है, सप्तम भाव में सूर्य बुध और शुक्र वृषभ राशि में है, तो सूर्य स्वयं दशमेश बनकर, सूर्य तो दशमेश है ही इस कुंडली के अंदर, तो सूर्य दशमेश है, शुक्र क्या है, शुक्र सप्तमेश है और बुध क्या है, बुध आपका लाभेश है। तो देखिए शुक्र जो है, सूर्य जो है, इसके अंदर दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? दशम भाव रिप्रेजेंट करता है कर्म को, दशम भाव रिप्रेजेंट करता है राज्य को, राज्य का भाव होता है दशम भाव, प्रोफेशन का भाव जो भाव होता है वही राज्य का भाव होता है, तो दशम भाव राज्य को रिप्रेजेंट करता है। और दशम से दशम अगर देखें, दशम भाव तो ये वाला हो गया, ये राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दशम से दशम देखें तो 7, 8, 9, 10 ये वाला भाव, तो दशम से दशम में शुक्र की राशि हुई तो शुक्र भी राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। भावत भावम का सिद्धांत है कि पांचवे से पांचवा देखिए, दशम से दशम देखिए, नवे से नवा देखिए, आठवें से आठवा देखिए, तो दशम से अगर दशम देखें तो वो भी राज्य को इंडिकेट करेगा, तो इसका मतलब वीनस भी राज्य को इंडिकेट कर रहा है, सूर्य भी राज्य को इंडिकेट कर रहा है, सूर्य और वीनस दोनों राज्य को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा संयोग बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बुध इन दोनों ग्रहों का, बुध जो है वो तो ये जैसे अच्छे ग्रह बन गए, तो बुध तो जिसके साथ बैठता है उसके साथ अच्छा काम करता है, तो जब ये दोनों अच्छे ग्रह बन गए आपस में, दोनों राज्य कारक बन गए, तो बुध इनके अंदर हेल्प करेगा और कैटलिस्ट से काम करेगा। इस प्रकार बुध इन दोनों ग्रहों सूर्य शुक्र का फल करता हुआ राज्य प्राप्ति करा देगा, तो ये राज्य प्राप्ति कराएगा, ये योग बहुत अच्छा होता है। फिर दोबारा से इस योग को समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है कि जुपिटर मकर में स्थित हो तो वो जातक को उदार बनाता है। वो उदार क्यों बना रहा है? कि जुपिटर मकर में स्थित है और धन भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी होके मकर में उपस्थित है, तो और मकर में उपस्थित होके वो धर्म भाव को देख रहा है, तो धन और धर्म दोनों भावों का संबंध हो गया, तो जातक जो धन खर्च करेगा वो धर्म के भाव मार्ग पे खर्च करेगा, इसलिए उदार बन जाएगा जातक। तो ये तो इसमें हुआ। दूसरा वो कहते हैं कि बुध सूर्य और शुक्र यदि सातवें भाव में हो तो वो भी राजयोग की प्राप्ति कराता है। तो कैसे राजयोग की प्राप्ति कराता है? क्योंकि सूर्य पांचवें भाव का यानी राजस्थान का स्वामी है, सूर्य राजस्थान का स्वामी है, सूर्य से दशम अगर लगाएं वो भी राजस्थान बन जाएगा, दशम से दशम हो जाता है सप्तम स्थान, तो उसका स्वामी भी वीनस बन गया, तो वो भी राज्य भाव का स्वामी हो गया। तो दो राज्य भाव के स्वामी जब एक साथ बैठ गए, जब दो ही चीजों कारक एक साथ बैठते हैं तो उसकी वो इम्प्रूव हो जाता है, जैसे धन के कारक दो कारक इकट्ठे एक साथ बैठ जाएं तो धन इम्प्रूव हो जाता है, तो राज्य प्राप्ति इसमें इम्प्रूव हो जाएगी। और बुध तो जैसे काम बैठता है जैसे ग्रहों के साथ वो वैसे ही करता है, तो बुध इनकी हेल्प करेगा राज्य की प्राप्ति कराने में। तो ये श्लोक था बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप समझे होंगे। इसके बाद एक श्लोक और इसके अंदर बसता है, वो कहता है गुरु सौम्यो पंचमस्थो लाभम चंद्रो भविद्यदि बहुभाग्य धनोपेते कीट जन्माने संशय। यदि गुरु और बुध पंचम में, गुरु और बुध पंचम भाव में हो और चंद्र एकादश भाव में हो, गुरु और बुध पंचम भाव में हो, ये गुरु बुध पंचम भाव में है और चंद्र एकादश भाव में हो, तो वृश्चिक लगन में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति बहुत धनी और भाग्यशाली होता है, ऐसा क्यों? ये एक श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें सोचना है। देखिए गुरु क्या है, यानी यहां कहता है कि ये धन का योग बन रहा है वृश्चिक, ये जातक अगर इस वाले भाव में पांचवें भाव में बुध और गुरु हो और इस वाले ग्यारहवें भाव में चंद्रमा हो,
तो ये धन कारक योग बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए गुरु क्या है, गुरु अपनी स्वयं राशि में बैठा हुआ है, गुरु धनेश भी है और नवमेश भी है, धनेश है और पंचमेश है, माफ कीजिएगा, गुरु धनेश है और पंचमेश है। और चंद्रमा ने किसके फल देने हैं, चंद्रमा ने कौन से फल देने हैं, गुरु धन कारक और धनेश तथा पंचमेश होकर बुध लाभेश होकर, बुध जो है आपका लाभेश है, बुध छह नंबर राशि का स्वामी है, बुध की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में पड़ती है तो बुध लाभेश है, तो यहाँ पे धनेश बैठा हुआ है, पंचमेश बैठा हुआ है, लाभेश बैठा हुआ है। और चंद्र जो है वो क्या है, चंद्र भाग्य भाव का स्वामी है और चंद्र भाग्य भाव का स्वामी होके इसको देख रहा है। तो देखिए कितने अच्छे ग्रह मिल गए यहाँ पे, पंचमेश मिला, लाभेश मिला और भाग्येश मिला। तो जब पंचमेश लाभेश और भाग्येश का संबंध हो जाएगा आपस में तो ये एक बहुत अच्छा संबंध होगा और धन कारक संबंध होगा। और इस पे अगर इसके ऊपर अगर मंगल यानी लगन भी, ये लग्नेश जो है ये भी कहीं से इसको देख ले, मंगल भी अगर मान लिया मंगल भी चंद्रमा के साथ ही बैठा होता वो भी इसको देख ले तो जातक को तो छप्पर फाड़ के धन मिलता, ये इसके अंदर कहने वाली बात है। तो ये ध्यान रखिए, तो गुरु और बुध पंचम में हो और चंद्र एकादश भाव में, तो वृश्चिक लग्न में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति धनी और भाग्यशाली होता है, क्योंकि गुरु और बुध पंचम में, गुरु आपका पंचमेश हो गया, धनेश हो गया, बुध लाभेश हो गया और चंद्रमा भाग्येश हो गया। तो धनेश लाभेश और पंचमेश इन सबकी युति और भाग्येश इन सबकी युति धनदायक होती है, ये धन प्रचुर मात्रा में इसके अंदर होगा। तो ये श्लोक था, इसका लास्ट एक श्लोक और रह गया है, कीट जातस्य जीवेदुम केतुनो भाग्यगा यदि गुरोर्दशा योगदाही केतुर्दायो व योगदाय। यानी कहते हैं कि गुरु चंद्र और केतु यदि कर्क राशि में नवम भाव में हो, देखिए गुरु यहाँ पे उच्च का बनता है, गुरु चंद्र और केतु ये कर्क राशि में नवम भाव में हो तो गुरु की दशा में प्रचुर धन आदि की प्राप्ति होती है। तो गुरु की दशा में प्रचुर धन आदि की प्राप्ति होती है कैसे, देखिए गुरु चूंकि लगन चंद्र लगन और चंद्र लगन के स्वामी सभी पर अपना शुभ और धनदायक प्रभाव डालेगा। ये देखिए गुरु कहां प्रभाव डाल रहा है, 1 2 3 4 5 लगन पे प्रभाव डाल रहा है। और अगर इस कुंडली को हम चंद्र लगन बना दें, चंद्र लगन से ले लें तो चंद्र लगन से कुंडली लेके तो 4 नंबर लगन बन जाएगा, वहां पर भी गुरु प्रभाव डाल रहा है। तो चंद्र लगन पे भी प्रभाव डाल रहा है और वहां भी प्रभाव डाल रहा है और चंद्र लगन के स्वामी पे भी प्रभाव डाल रहा है। देखिए 4 नंबर का स्वामी कौन है, चंद्रमा, इसके साथ गुरु बैठा हुआ है तो उस पर प्रभाव डाल रहा है। अब देखिए कितनी जगह पर गुरु प्रभाव डाल रहा है, गुरु लगन पे प्रभाव डाल रहा है, गुरु चंद्र लगन पे प्रभाव डाल रहा है और गुरु चंद्र लगन के स्वामी पे भी प्रभाव डाल रहा है। तो ये जो है धन कारक स्थिति हो जाती है और गुरु की दशा में प्रचुर धन की प्राप्ति होगी इस केस में, क्योंकि गुरु लगन को, चंद्र लगन को और चंद्र लगन के स्वामी तीनों को इफेक्ट कर रहा है, तीनों पे शुभ दृष्टि डाल रहा है। तो ये प्रचुर धन मात्रा वाली, प्रचुर धन धन प्राप्त होने की स्थिति होती है। तो इसलिए ये श्लोक थोड़े से इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको तुला लगन में और वृश्चिक लगन में बताए। आशा है आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से मेरा हौसला बना रहता है, मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दूसरे लगनों के साथ, धनु लगन के साथ, मकर लगन के साथ, भावार्थ रचना करके इसमें शुभ बन। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।